बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस हाइड्रोजन एंड वाटर चैप्टर 11 फ्रॉम क्लास 9। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। कैवेंडिश इन 1766 ट्रीटेड जिंक विद HCl एसिड। A gas was produced. The gas so produced gave water when burned in air. So Lavoisier named this gas as hydrogen, which means water producer. इसमें डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया गया है। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1766 में जिंक को ट्रीट किया HCl के साथ और एक गैस प्रोड्यूस हुई। ये गैस जो प्रोड्यूस हुई, जब ये एयर के साथ बर्न करती थी तो वाटर प्रोड्यूस होता था। तो लेवर एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस गैस को हाइड्रोजन का नाम दिया, जिसका मतलब था वाटर प्रोड्यूसर। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय H। हाइड्रोजन को डिनोट किया जाता है H से, सिंबल इसका H है। विच इज़ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ टर्म हाइड्रोजन, इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। ये जो है सबसे पहला अल्फाबेट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में H जो है पहला अल्फाबेट है, इसीलिए इसका सिंबल भी H जो है वो असाइन कर दिया गया है। और ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, स्टेट इसकी गैस होती है, सिंबल H है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो H2 है। मास नंबर H2 का 2.0 हो जाएगा, एक का 1.0 है, तो यहाँ पे H2 है इसलिए इसे 2.0 मास नंबर है। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, जबकि वैलेंसी इसकी +1 है। स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस को डिफाइन करते हैं। इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन, ये बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है। इसे हमने अभी देखा भी इसके इंट्रोडक्शन में। इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जबकि पीरियोडिक टेबल में भी ये लाइटेस्ट एलिमेंट है। इट कंटेन वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में। वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट जो के शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मौजूद होता है। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1, एटॉमिक नंबर 1 है। इट्स मास नंबर इज़ आल्सो 1, जबकि मास नंबर भी इसका 1 है। इट इज़ अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये हमेशा डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा हाइड्रोजन गैस H2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल में मौजूद होगी। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द नेचर, हाइड्रोजन नेचर में किस तरह मौजूद होती है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी तादाद मौजूद होती है, मोस्ट अबंडेंट है। इट इज़ फाउंड इन सन एंड अदर स्टार्स, ये सूरज में भी मौजूद होता है, जबकि दूसरे स्टार्स अदर स्टार्स में भी ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ न्यूक्लियर फ्यूल बाय विच सन एंड स्टार्स प्रोड्यूस एनर्जी, इसमें इसकी वजह से सन और स्टार्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट फॉर्म 0.89% ऑफ अर्थ क्रस्ट, जबकि ज़मीन में ये 0.89% मौजूद होता है। इन कंबाइंड स्टेट इट अकर्स एज वाटर H2O अबाउट 11.11% बाई वेट, जबकि वाटर में ये
H2O फॉर्म में मौजूद होता है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं, जिसमें इसका हाइड्रोजन का वेट 11.11% होता है। पेट्रोलियम ऑर्गेनिक मिनरल्स नेचुरल गैस कंटेन हाइड्रोजन, जबकि पेट्रोल में ऑर्गेनिक मटेरियल्स में नेचुरल गैस में हाइड्रोजन जो है वो पाया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपेरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इंडस्ट्रीज़ में हम हाइड्रोजन को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। बाय पासिंग स्टीम ओवर कोक स्टीम प्रोसेस, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड। वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब रेड हॉट कोयला को इसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में जो कि मौजूद है स्टीम पास की जाती है, तो वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। वाटर गैस जो होती है मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस के। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, अब वाटर गैस में से हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट करेंगे। हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड बाय टू मेथड्स, बाय लिक्विफिकेशन एंड बाय बॉस्च प्रोसेस ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोजन को किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है, इसके दो इन दो प्रोसेस में ए जो है वो बाय लिक्विफिकेशन है। ए प्रोसेस इज बाय लिक्विफिकेशन, जबकि बी प्रोसेस जो है बॉस्च प्रोसेस है, जो कि ऑक्सीडेशन मेथड भी कहलाता है। बाय लिक्विफिकेशन, वाटर गैस इज कूल टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स लिक्विड एट दिस टेम्परेचर, वाइल हाइड्रोजन रिमेन एज गैस। यानी वाटर गैस को ठंडा किया जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में रखा जाता है टेम्परेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स लिक्विड एट दिस टेम्परेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में इस टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है, वाइल हाइड्रोजन रिमेन एज गैस, जबकि हाइड्रोजन जो है वो गैस ही फॉर्म में रहते हैं। द लिक्विड कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड। अब लिक्विड कार्बन मोनोऑक्साइड को इजीली रिमूव कर दिया जाता है। द ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इफ प्रेजेंट इन हाइड्रोजन गैस इज रिमूव्ड बाई ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कुछ ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के रह भी जाएं हाइड्रोजन गैस को, तो वो किस तरह से रिमूव किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करवा के। अब क्या होता है कि सोडियम फॉर्मेट इज फॉर्म एंड प्योर हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम फॉर्मेट फॉर्म होता है, अब प्योर हाइड्रोजन जो है वो हमें हासिल हो जाती है। सेकंड प्रोसेस क्या है, बॉस्च प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस मेथड में मोर स्टीम इज पास्ड थ्रू वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, लीविंग बिहाइंड प्योर हाइड्रोजन। इस मेथड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टीम पास की जाती है वाटर गैस से, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिसॉल्व होता है वाटर में, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अब प्योर फॉर्म में हासिल हो जाती है इस तरह से। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कमर्शियल प्रिपेरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस। नंबर वन मेथड है इसका फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर नेचुरल गैस मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब हम इक्वेशन में भी देख सकते हैं मीथेन जब वाटर से ट्रीट करता है, निकल जो है कैटलिस्ट है यहाँ पे,
और टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जा रहा है तो वाटर गैस प्रोड्यूस्ड होती है. हाइड्रोजन इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर गैस एज मेंशन्ड अबव. अब हाइड्रोजन को वाटर गैस से कैसे सेपरेट करते हैं ये हमने अभी पढ़ा है लास्ट स्लाइड्स में. सेकेंड मेथड इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन. When methane is heated at 700 degree centigrade in the absence of air, it decomposes into carbon and hydrogen gas. Carbon black is used in making ink, paints and plastics. जब methane को 700 degree centigrade पे heat किया जाएगा absence of air में तो ये decompose हो जाएगी carbon में और hydrogen में जिसे कार्बन ब्लैक कहा जाता है. इन दोनों को अब कार्बन ब्लैक कहा जाता है इसके मिक्सचर को. तो ये कार्बन ब्लैक कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये इंक में यूज़ होता है पेंट्स में यूज़ होता है और प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है. बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. बाय दिस मेथड 100% प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्टेंड. इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर containing few drop of acids or alkali. Hydrogen gas is produced at cathode while oxygen is collected at anode. होता यह है कि हम electrolysis के through water की electrolysis जब की जाती है तो pure hydrogen gas 100% जो है वो हमें हासिल होती है. Electric current को जब हम pass करते हैं water से और कुछ इसमें ड्रॉप हम ऐड कर देते हैं एसिड के या अल्कली के तो फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है कैथोड पे जबकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कलेक्ट हो जाती है एनोड पर. ये इसका फुल रिएक्शन बताया गया है कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है और एनोड पे क्या रिएक्शन होता है. कैथोड पे 4 हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव फॉर्म होता है जबकि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके साथ मिलकर 2H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं जबकि एनोड पे 2 ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव 2 चार्ज है ये जो है O2 ऑक्सीजन गैस बनते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें से अलग हो जाते हैं. ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस इससे फॉर्म होती है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है. हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जबकि ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे मौजूद होती है. डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच. होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा. इस मज़ीद इसका सेकंड पार्ट जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन वो इसके सेकंड लेक्चर सेकंड पार्ट में प्रेजेंट होगी. थैंक यू वेरी मच.